नमस्कार दोस्तों, तो मुझे ऐसी आशा है कि मैं जो आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ 2020-21 में जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इंग्लिश की मीडियम के बच्चे कैसे टॉप 100 में रैंक निकालना चाहते हैं, तो अब तक जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखेंगे, कुछ फैक्ट याद रखेंगे और एक पैटर्न जो कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान से आता है तो उसको आप अपना लेंगे तो जरूर आपका रैंक लग सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। तो पहला हमारे कोर्स अन अकेडमी पे जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ हमें देख सकते हैं। पॉलिटी का बैच चालू होने वाला है वहाँ भी, और धीरे धीरे और टीचरों के भी वहाँ पर बैच आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर आप हमारे कक्षा कार्यक्रम में 2020 के लिए पॉलिटी करंट अफेयर और 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारा बैच जल्दी ही चालू होने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 5 दिन का डेमो आपको फ्री मिलेगा, तो आइए सीखिए कि किस तरह से आप कड़ी चुनौती दे सकते हैं और रैंक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आंसर राइटिंग बैच, एक बैच तो फुल चल रहा है, दूसरा जल्दी लॉन्च होने वाला है 10:30 बजे आंसर राइटिंग का बैच 2020 का। तो ये कोर आईएएस की स्पेशलिटी है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप अपना पीटी 2020 सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस साल मेंस दिया है यहाँ से, तो अगर आपको चाहिए कि आप भी मेंस लिखें और पास करें तो हमारी पीटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सकते हैं दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं आज का टॉपिक, महिला आरक्षण। तो भारत में महिलाओं की दशा किसी से छिपी हुई नहीं है, तो बात आ रही है कि महिला का सशक्तिकरण हो कैसे। तो बात आती है कि अगर महिला आज रंक बनी हुई है, दीनहीन बनी हुई है, वस्तु बनी हुई है, कठपुतली बनी हुई है, तो इसका कारण है वो शक्तिहीन है। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, नीति निर्माण के रूप से भी, उसमें और एक वस्तु में कोई अंतर नहीं है। तो क्या किया जाए दोस्तों? तो बात आई कि रंग को राजा बनाओ। तो बात आई कि रंग को राजा कैसे बनाए। तो रंग को राजा प्रणाली की एक प्रणाली है आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो इस नीचे वाले को कुछ समय के लिए विशेष मदद दे दो, तो ये हाथ याद रखिएगा, वो उसको बोलते हैं आरक्षण। ये ST ST OBC को नौकरियों में दी गई है, आप उसका फर्क देख रहे हैं कि धीरे धीरे आ रहा है। तो ये बात आती है कि अभी होमोसेक्सुअल हिजड़े के लिए भी बात चल रही है कि ये भी दीनहीन है, इनको भी दिया जाए। तो बात आती है जो हमारा आज का टॉपिक है कि महिलाओं को विधायिका में, संसद में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आप देखिए पंचायती राज सिस्टम में जब से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है तब से महिला घर से बाहर निकली है, राजा से रंक बनी है और उसका सशक्तिकरण आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आत्मविश्वास से वो लबरेज नजर आती है। ये बात और है कि पंचायती राज सिस्टम में समस्याएं हैं, परंतु महिला घर से पल्लू से तो बाहर निकली है, घूंघट से तो बाहर निकली है और आज नारे लगा रही है। तो बोला जा रहा है कि संसद में भी आरक्षण दिया जाए। ये मुद्दा बहुत पुराना है, इस पे एक आज प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो महिला आरक्षण बिल 108 संविधान संशोधन आया था लोकसभा में पर पारित नहीं हो सका। आबादी भारत की 48% महिलाएं हैं और जो अभी लेटेस्ट विधानसभा हमारी जो गठित हुई है, लोकसभा जो हमारी सरकार बनी है केंद्र में 17वीं लोकसभा दोस्तों, उसमें मात्र सबसे ज्यादा है। खुशी की बात यह है सबसे ज्यादा है, लेकिन दुख की बात है आबादी के अनुपात में बहुत कम है। तो मात्र 14% सीट आई है, 78 सीटें महिलाओं को मिली हैं। तो देखिए 48% आबादी और सीटें मात्र 14%। इसीलिए आप देखेंगे कि जेंट्स टॉयलेट जगह जगह, महिलाओं के लिए टॉयलेट कहीं कहीं मिलता है। राज्य विधानसभा की बात करें तो 9%
निकल कर आता है। राज्य विधान परिषद की बात करें तो 5% निकल कर आता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आवाज उठ रही है कि महिलाओं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को आपको विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी। पर आप विशेष सुविधाएं देंगे कैसे इस आरक्षण के नाम से? तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं आरक्षण के ऊपर, इसको महिला आरक्षण का फटाफट आप देख लेंगे, जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आरक्षण लाया जा सकता है, उस आरक्षण की क्या क्या चुनौतियां हैं और महिला सशक्तिकरण संसद में लाने के लिए हम और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाऊंगा, फिर इसका आंसर मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस करूंगा दोस्तों आपके साथ। तो प्रश्न है हमारा, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिए बिना समावेशी लोकतंत्र नहीं बनाया जा सकता। यानी लोकतंत्र को समावेशी बनाना है, सहभागी पूर्ण बनाना है, सबकी भागीदारी के रूप में बनाना है, तो महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। इसके लिए 108वां संविधान संशोधन के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कैसे आरक्षण से समावेशी लोकतंत्र बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। भारत में महिला आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिला है, परंतु 17वीं लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 14%, 78 सीट है। राज्य विधानसभा में मैंने पहले ही बताया 9, विधानसभा में परिषद में 5%। तो महिलाओं की विधायिका में रंक से राजा बनाने में उनको आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नीति निर्माण जो भी होता है अभी वो पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के मुद्दे कहाँ आते हैं ध्यान में? निर्भया कांड, अभी आप उन्नाव केस, अभी आप संत पे बलात्कार के आरोप, इन मुद्दों की कहाँ चर्चा होती है? इन मुद्दों पर कहाँ बात होती है? महिला शौचालय की कहाँ बात होती है? महिलाओं की पार्टी की बात कहाँ होती है? तो जब आप उनको संसद में आरक्षण देंगे तो इन मुद्दों पर भी विवाद होगा, चर्चा होगी और कानून बनेंगे और पालन का होगा। परंतु 14% जहां महिलाओं हो वहां क्या नीति निर्माण की आप बात करेंगे? लेकिन महिलाओं को जो पंचायत में जो आरक्षण मिला है, इसमें देखा गया है कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य में तरक्की हुई है। उन्होंने बच्चों से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, सामाजिक कल्याण से रिलेटेड नीतियां पंचायत में बनाई हैं। तो अगर संसद में भी इनको आरक्षण दे दिया जाए तो भारत का जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ऐसा विधायिका में आरक्षण देने से होगा। इसके अलावा क्यों दिया जाना चाहिए आरक्षण? महिलाओं का भ्रष्टाचार और अपराधों के मामले में जो रिकॉर्ड है वो पुरुषों की अपेक्षा बेहतर है। ज़्यादा सेंसिटिव इंसान होती हैं, केयरिंग इंसान होती हैं और जो काम लेती हैं वो डेडिकेशन से करती हैं। तो यह दूसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, इंडिया स्पेंड का एक सर्वे आया है आर्थिक मामलों में। ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स आप जरूर कलेक्ट कीजिए, हम अपनी क्लासों में ये लिखाते हैं जिससे एक अच्छा आंसर बन सके। तो इंडिया स्पेंड सर्वे के आर्थिक मामले में तमिलनाडु में एक स्टडी की गई जिसमें देखा कि महिला अगर सरपंच है तो वो वहाँ की अधोसंरचना में ज़्यादा पैसा खर्च करती है। संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया कि पीने के पानी के मामले में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 62% अधिक खर्च कर रही हैं। और भारत में तो अभी मिशन है जल शक्ति मिशन जो लाया गया है, तो महिला नीतियों का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से करती हैं बल। और चौथा पॉइंट क्यों आवश्यकता है? भारत के लोकतंत्र ने समानता का मौलिक अधिकार अपनाया है, तो इसमें 14 से 18 में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये लोकतंत्र का मूल्य ये कहता है कि सामाजिक न्याय हो, लैंगिक असमानता दूर हो, ये हमारा संविधान चीख चीख कर कह रहा है। तो ये सब लोकतंत्र के मूल्य को बढ़ाने के लिए आरक्षण देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि स्वयं तो महिलाएं आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। अब जब
आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, 50-48% आबादी है उनकी, 48% सीटें नहीं है, तो उनको मशीन मदद की जरूरत है, तभी वो अपना घर छोड़ पाएंगी। तो इसके लिए 2008 में एक कोशिश की गई थी, 108वां संविधान संशोधन के रूप में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। पास क्यों नहीं हो पाया दोस्तों? बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे इसमें संशोधन दिए, असहमति जताई, और ये अधर में ही मुद्दा लटक गया। वो क्या चिंताएं हैं ये देखते हैं। ST ST OBC वाले वर्ग ये कहते हैं कि महिला को तो 33% आरक्षण मिले, लेकिन जो ST ST को है कोटे के अंदर कोटा मिले, यानी ST के लिए 33 में से इतना परसेंट फिक्स कर दो, OBC के लिए इतना परसेंट फिक्स कर दो, ST के लिए इतना फिक्स कर दो, तभी आरक्षण का फायदा है, वरना इसमें भी जो बाहुबल पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो आगे आ पाएंगी। तो अब हम पहला स्टेप पहले करें कि पहले महिलाओं को दें, या पहले स्टेप में हम दूसरा तीसरा चौथा स्टेप लेते हुए अलग अलग वर्गों की महिलाओं के लिए अलग अलग आरक्षण दें, इस पर सहमति विभिन्न पार्टियों के बीच में नहीं बन पाई। तो ये इसलिए अटक गया। उनका कहना था कि सामाजिक वंचना गरीबों में ज्यादा है, ST ST OBC में ज्यादा है, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पंचायती, एक क्रिटिसिज्म इसका ये भी होता है, पंचायती राज से क्या फायदा हुआ महिलाओं को? कई राज्यों ने 50% से ज्यादा भी दे रखा है, लेकिन पति पंचायत चल रही है, महिला सिर्फ साइन या अंगूठा लगा के चली आती है, कभी ना किसी से मीटिंग करती है, ना कोई विकास कार्य करती है। दिल्ली के अंदर देख लीजिए, जो काउंसलर्स हैं वो जाती आती नहीं है कहीं, पति ही जाता है, कहता है हाँ, वही ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो बोलते हैं कि संसद में आपने दे भी दिया तो बहुत कारगर साबित नहीं होगा, ये इसका एक होता है, बहुत बड़ा ये क्रिटिसिज्म है और रोकता है कि इनको देने की आवश्यकता नहीं महिला। तीसरा विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरक्षण आप दे देंगे महिलाओं को तो कोई भी चुन के आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, चैलेंज नहीं हो पाएगा, और जिससे विधायिका की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इस तरह से कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा की भावना में कमी आने से असमानता तो फिर भी बनी रहेगी, लेकिन लेकिन आपको देना जरूरी है, नहीं देंगे तो दिक्कतें आएंगी और ये व्यवस्था पितृसत्ता ऐसे ही बनी जाएगी। तो बात आती है कि भारत में भागीदारी कम क्यों है? सब जानते हैं, फटाफट में पॉइंट आपको देख देता हूं कि पितृसत्तात्मक समाज है भारत में, पिता की सत्ता है, निजी भागीदारी ज्यादा है महिलाओं की, सार्वजनिक जीवन में उनको कोई निकलने नहीं देता, ना तो उनके अंदर आत्मविश्वास है, इस तरह की परवरिश होती है, और ना ही उनके पास आर्थिक पैसा है, ना संपत्ति है, ये सब पुरुषों के हाथ में। चुनाव में अगर कोई महिला खड़ी भी हो गई तो उसका चीर हरण कर दिया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, गंदे गंदे कमेंट करती हैं, इसीलिए पढ़ी लिखी महिलाएं, सशक्त महिलाएं भी राजनीति से दूर रहती है कि इस राजनीति में हम क्यों जाएंगे। और हमारी पार्टियों का आप देख लीजिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का वहां पर भी अभाव है, वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के लिए अलग पार्टी नहीं है भारत में, SC की पार्टी है, ST की पार्टी है, भाषा के नाम पे पार्टी है, क्षेत्र के नाम पे पार्टी है, पर 48% भारत की आबादी बटी हुई है, इसके पास अपनी आवाज ही नहीं। तो करना क्या चाहिए? एक पार्टी बना लेनी चाहिए महिलाओं को, और आरक्षण की बात करनी चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए। तो अब हम क्या उपाय कर सकते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़े? तो सबसे पहले TMC का केस स्टडी है, जो 17वीं लोकसभा, हाल ही में जो अभी चुनाव हुए लोकसभा में, ममता बनर्जी ने 33% से भी ज्यादा महिलाओं को सीटें दी, 41% से भी ज्यादा टिकट दिया, और उनकी कई महिला उम्मीदवार जीत कर आई। तो ये उदाहरण सबको लेना चाहिए कि सभी पार्टी ये रूल बना लें कि अपनी 33% सीटें देंगी, और TMC ने ये करके दिखाया, इसको और फॉलो कर सकते हैं। चुनाव आयोग अभियान चलाए,
कि 33% जागरूक करें राजनीतिक पार्टियों को कि आप दें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तीसरा, विपक्षी पार्टियों को भी, अभी संसद में पूरा बहुमत है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो चाहें तो इस आरक्षण बिल को पास कर सकते हैं। तो इस तरह सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद हो जाना चाहिए, जनता को भी लामबंद हो जाना चाहिए, पिटीशन लिखनी चाहिए कि आरक्षण बिल पास किया जाए। दोस्तों, सोनिया गांधी ने इस तरह आवाज इशारा किया था चुनाव से पहले। तो आप देखना होगा कांग्रेस पार्टी इसको कैसे उठाती है। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए उनके पास और रोल मॉडलिंग की जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए उनमें, लैंगिक, ताकि उनमें लैंगिक भेदभाव समाप्त हो। तो बी आर अम्बेडकर का निष्कर्ष हम देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण के बिल के बारे में, महिलाओं के उपायों के बारे में, कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक शक्ति के बिना सभी सामाजिक ला यानी उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति सभी सामाजिक कल्याण, चाहे वो भेदभाव हो, आर्थिक हो, लिंग आधारित हो, महिलाओं की दीन दशा हो, तो अगर आपने राजनीतिक शक्ति किसी को राजा रंग से राजा बना दिया, तो उसका आप सामाजिक कल्याण अपने आप ही सुरक्षित कर सकते हैं, यह उसकी कुंजी है। अथा यथा शीघ्र इस आरक्षण के बिल को पास कराना चाहिए। तो ये पूरा आरक्षण का, महिला आरक्षण 108 का पूरा वाद विवाद, चर्चा विमर्श की आशा है कि आपको ये मिल गया होगा। तो अगर आप हमारे मॉडल आंसर चाहते हैं इस पे, तो आप कोर आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे पॉलिटी का पूरा हैंड रिटन नोट्स रखा हुआ है दोस्तों, आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के दिए गए हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो और किसी वीडियो के साथ जो टॉपिक आपको लगते हैं कि मुझे पढ़ाने चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊं, आप कमेंट सेक्टर में हमको बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।